हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 7 बर्थ एंड दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम आवर बुक स्नैपशॉट। सो बर्थ एज यू नो वेरी वेल बर्थ जन्म एंड दिस लेसन इज रिटन बाय एजे क्रॉनिन। सो इन लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज एजे, ए आर्चीबाल्ड जे जोसेफ क्रॉनिन। So he was a Scottish physician and novelist. So this lesson also birth is a part of his novel The Citadel. और ये जो lesson है birth, ये lesson Citadel जो novel है इसका AJ Cronin ने जो लिखा है ये उसी का एक part है। So let's start it. So in this excerpt from The Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Pace in the small Wales mining town of Blenley. So, ये जो part है, इसमें से ये Citadel से लिया गया lesson है, और इसमें Andrew Manson जो है, ये एक doctor है, जिसने अभी-अभी अपनी medical school से अपनी graduation pass की है, और अपनी ग्रेजुएशन पास करके वो डॉक्टर एडवर्ड पेज का असिस्टेंट बनके प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। एंड वेयर डिड ही स्टार्ट हिज प्रैक्टिस? तो अपने स्टार्ट जो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है वो वेल्स के, यानी कि वेल्स क्या है, वेल्स एक छोटा सा, मतलब वेल्स जो है इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कहें हम, वहाँ का एक शहर है, तो वहाँ का एक टाउन है ब्लेनली, वहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है ब्लेनली में। सो हैव यू गॉट इट? वेल्स जो है इंग्लैंड का एक शहर है, और उस शहर के, इंग्लैंड के शहर में एक माइनिंग टाउन है जिसका नाम है ब्लेनली, वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, और किसका असिस्टेंट बनता है, वो डॉक्टर एडवर्ड पेज का असिस्टेंट बनता है, और वो एक न्यूली पास्ड आउट है, न्यूली पास्ड आउट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से वो पास आउट होकर निकला है और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। एंड एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, तो एज ही इज रिटर्निंग, जैसे कि वो वापिस आ रहा होता है फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, और उसकी जो शाम होती है वो बड़ी उदास होती है, विद क्रिस्टीन, और यहाँ पे एक लड़की है वो है क्रिस्टीन, उसके साथ में द गर्ल ही लव्स, जिस लड़की से वो प्यार करता है, तो यहाँ पे क्रिस्टीन नाम की लड़की है तो उसे वो प्यार करता है, और उसकी शाम जो थी वो बड़ी अच्छी नहीं रही थी, वो उदासी भरी शाम थी। ही इज मेट बाई जो मॉर्गन, तो जब वो वापस आता है तो वो मिलता है जो मॉर्गन से, जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी जो वाइफ है जिसका नाम हम आगे पढ़ेंगे, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जो करीब करीब 20 साल से जिनकी शादी हो चुकी है, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और उनको पहला बच्चा होने वाला है। सो क्या वो बच्चा होता है, या वो बच्चा सही होता है, क्या वो जो खुशी एक बच्चा होने की होती है एक माँ बाप को इतने दिनों के बाद, 20 साल के बाद, तो क्या वो खुशी उनको मिल पाती है, तो एंड्रयू मैनसन जो डॉक्टर है उसका क्या रोल होता है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे इस कहानी में, इस लेसन में। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चौथो, इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिंगोवर, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. So, though it was nearly midnight, mean to say it was midnight, 12 o'clock, aadhi raat ka time tha, lagbhag aadhi raat ho chuki thi, when Andrew reached Bringover, aur Andrew jo hai wo Bringover pahunchta hai, Bringover mean apne ghar pahunchta hai, and what did he found there, wo kya pata hai wahan pe, he found Joe Morgan waiting for him, aur wo pata hai ke Joe Morgan wahan pe uska wait kar raha tha, walking up and down with short steps between the closed surgery, to yahan pe jo surgery hai, surgery ka matlab kya hai ke uske ghar ke uske jo ghar mein hai ek surgery room hai, to us closed surgery ke aage wo chote chote kadmon se upar niche chal raha hai, aage piche ghoom raha hai, एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और घर के सामने, एट द साइट ऑफ हिम द ब्रिलियंट ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ,
एट द साइट ऑफ फेम, और वो एंड्रयू मैनसन को देख करके बड़ा खुश हो जाता है। कौन? बर्ली ड्रिलर। बर्ली ड्रिलर कौन है? ये जो मॉर्गन है। तो जो मॉर्गन जो है डॉक्टर एंड्रयू को देख के उसको राहत की सांस मिलती है, वो राहत एक्सप्रेस करता है, रिलीफ फील करता है। ए डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू कहता है, और डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू कि मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। आई हैव बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर कि मैं पिछले एक घंटे से यहाँ पे आगे पीछे घूम रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ। द मिसेस वांट्स ये बिफोर टाइम, और मिसेस मीन मेरी वाइफ, वांट्स ये उसको आपकी ज़रूरत है, बिफोर टाइम टाइम से पहले। टू एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड from the contemplation of his own affairs told Morgan to wait. So Andrew abruptly recalled from his contemplation. तो वो अपनी बातों को, अपनी contemplations को भूल जाता है, recall याद करता है, of his own affairs अपने मामलों को याद करता है, told Morgan to wait करता हुआ Morgan को बताता है कि wait करो। He went into the house for his bag, और वो अपने घर में चला जाता है अपना बैग लेने के लिए। Then together they set out for number 12 Bellina Terrace, और फिर वो दोनों कौन कौन, जो मॉर्गन एंड डॉक्टर एंड्रयू मैंशन जो है, वो दोनों फिर निकल पड़ते हैं, सेट आउट निकल पड़ते हैं फॉर नंबर 12 Bellina Terrace। 12 Bellina Terrace, ये 12 Bellina Terrace क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे जो मॉर्गन रहता है, तो वो उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल, रात की जो हवा थी वो ठंडी थी, एंड डीप और गहरी थी, विद क्वाइट मिस्ट्री, और ऐसा लग रहा था कि कोई मिस्ट्री हो वहाँ पे, बहुत ही शांत थी। यूजुअली सो परसेप्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। सो यूजुअली सो परसेप्टिव, और ऐसा कुछ होता है, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, और एंड्रयू जो था वो अब डल, अपने आप में बोरिंग और लिस्टलेस, बेचैन फील करता है। He had no premonition that this night call would prove unusual. He had no premonition. और उसको अंदाजा नहीं था, उसको पहले से कोई आइडिया नहीं था। प्रीमोनिशन क्या होता है? एडवांस में जानना किसी बात को। दैट दिस नाइट, कि ये रात कॉल, ये रात की जो बुलावा है, वुड प्रूव अनयूजुअल, ये अनयूजुअल रहेगा, असाधारण रहेगा। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, और ये ब्लेनली में उसके पूरे फ्यूचर को, आने वाले टाइम को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट द थिंग, कि अब वो जो ब्लेनली में वो रह रहा है, ठीक है, ब्लेनली में वो प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ में, तो उस वजह से, और उसकी वाइफ के साथ उसका जो झगड़ा हुआ है, उस वजह से क्या होगा उसके फ्यूचर का, वो सोच रहा था। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12। तो यस यू, द टू मैन, दो आदमी वॉकड इन साइलेंस, चुपके से चले, चुपचाप चले, अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, और वो जब तक वो दरवाजे पे पहुंचे नंबर 12 के। देन जो ड्रू अप शॉर्ट, फिर जो था वो रुक गया एंड कहा, आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊँगा, ही सैड, उसने कहा, एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, और उसकी बातों में तनाव था। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, ये वेल डू वेल फॉर अस। बट मैन, और बट आदमी यानी कि डॉक्टर एंड्रयू को कहता है, आई नो, मुझे पता है, यू विल डू वेल फॉर अस, कि आप हमारे लिए अच्छा करोगे। Yes, it was said by doctor. Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. So inside, under a narrow stair, tang pediyon se, tang seedhiyon se, and wo tang seedhiyan led up to a small bedroom. Use ek chote se bedroom mein le gayi. And that room was clean. रूम जो था वो क्लीन था, साफ था, बट प्योरली फर्निश्ड, बट उसमें जो फर्निशिंग थी, उसमें जो सफाई, सॉरी, जो फर्निशिंग थी वो बहुत ही कम थी। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और उसमें सिर्फ एक तेल का दिया जल रहा था। हियर मिस्टर मॉर्गन्स मदर, और वहाँ पे मिसिज मॉर्गन्स की मदर थी, ओके, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन, एक लंबी और सफ़ेद बालों वाली औरत, ऑफ नियरली 70, करीब
70 साल की, एंड द स्टाउट एक मोटी एल्डरली बूढ़ी और इनसाइड ए नैरो स्टेयर लीड टू ए स्मॉल बेडरूम क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प. तो इनसाइड अंदर ए नैरो स्टेयर लीड अप एक तंग सी पैड़ियाँ या तंग सी सीढ़ियाँ थी जो उसे एक छोटे से बेडरूम में ले गई. दैट रूम वॉज क्लीन रूम जो था साफ था बट पुअरली फर्निश्ड बट उसमें फर्निशिंग नहीं थी एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प और उसमें सिर्फ एक तेल का दिया जल रहा था. हियर्स मिसिज मॉर्गन्स मदर वहाँ पे मिसिज मॉर्गन की माँ थी. ए टॉल ग्रे हेयर एक लंबी और सफ़ेद बालों वाली और करीब 70 साल की एंड द स्टाउट एक मोटी एल्डरली बूढ़ी मिडवाइफ एक दाई मिडवाइफ दाई यस यू मिडवाइफ क्या होता है ए वुमेन हु टेक केयर द लेडी हु इज एक्सपेक्टिंग टू ए चाइल्ड मीन टू से मिडवाइफ होती है कि जो एक औरत को दूसरी औरत को यानी कि एक माँ को बच्चा पैदा करवाने में हेल्प करती है. वेटेड बिसाइड द पेशेंट तो वो दोनों वहाँ पे बैठ के उसके पेशेंट के पास बैठी इंतजार कर रही थी. वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन और एंड्रयू के एक्सप्रेशंस को वो देख रही थी एज ही मूव्ड अबाउट द रूम जैसे ही वो कमरे में घूम रहा था. लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर बैक ओके उसने कहा कि बेटा डॉक्टर मैं आपके लिए लाओ चाय बना देती हूँ. सेड द फॉर्मर क्विकली तो किसने कहा ये मिसिज मॉर्गन्स की मदर ने कहा पहले वाली औरत ने कहा. आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स कुछ टाइम के बाद एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली एंड्रयू धीमे से मुस्कुराया. ही सा दैट उसने देखा कि द ओल्ड वुमैन के बूढ़ी औरत वाइज इन एक्सपीरियंस उसको अच्छा अनुभव था. रियलाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग दैट और वो रियलाइज देयर और उसको महसूस था कि मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग दैट कि वहाँ पे अभी कुछ और टाइम लगेगा. सी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस और उसको ये भी डर था कि कहीं डॉक्टर जो है ये केस छोड़ के ना चला जाए. सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर ये कहकर के मैं जल्द ही वापस आऊँगा. चो उसने कहा कि डॉक्टर कहता है फिर डोंट फ्रेट मदर आई विल नॉट रन अवे. डॉक्टर ने कहा कि माँ आप डरो मत मैं नहीं भागूंगा. डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी नीचे किचन में उसने चाय पी विच सी गेव हिम जो मिसिज मॉर्गन्स ने उसे दी थी. ओवर रॉट एज ही वो जैसे कि वो चिंता में था ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन हार्स लीफ इफ ही वेंट होम तो उसे ये भी पता था कि अगर वो घर गया तो वो एक घंटा भी नहीं सो पाएगा क्योंकि वो चिंता में था. ही न्यू टू और वो ये भी जानता था दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन उसको ये भी पता था कि इस मामले में इस केस में उस डॉक्टर की पूरी अटेंशन की जरूरत रहेगी. सो ए क्वीर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम तो उसमें ये एक समझ आ गई थी. ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज और उसने निश्चय कर लिया कि वो वहाँ तब तक रुकेगा जब तक सब कुछ फिनिश नहीं हो जाता है. एंड हार लेटर एक घंटे के बाद ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन वह वापस दोबारा से फिर अपस्टेयर ऊपर गया. नोटेड द प्रोग्रेस मेड और देखा कि क्या प्रोग्रेस हो रही है. केम डाउन वंस मोर फिर से नीचे आ गया और नीचे आके सेट बाय द किचन फायर के पास यानी कि आग रसोई में आग के पास बैठ गया. It was still expected for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. Yes, so it was still. वहाँ पे बिल्कुल शांति थी. Expect for the rustle of a cinder. सिर्फ आग के जलने की आवाज वहाँ पे थी जो चूल्हे में जल रही थी. And the slow tick-tock of the wall clock. और दीवार घड़ी की tick-tock की आवाज वहाँ पे सुनाई दे रही थी. No, there was no another sound. और कोई आवाज वहाँ पे नहीं थी. The beat of Morgan's footstep सिर्फ और मॉर्गन के पैरों के यानी कि मॉर्गन के कदमों की आवाज भी वो सुन सकता था. As he paced in the street outside, जैसे ही मॉर्गन बाहर गली में घूम रहा था तो वो आवाज भी सुनी जा सकती थी. The old woman opposite him sat in her black dress. तो बूढ़ी औरत थी वो उसके सामने डॉक्टर एंड्रयू के सामने काली ड्रेस में बैठी थी. Quite motionless, बिल्कुल शांत और बिना हिले डुले. Her eyes strangely alive and wise, उसकी आंखें strangely अजीब थी and alive, जिंदा and बुद्धिमान थी. Probing, never leaving his face, और वो उसके चेहरे को लगातार घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी. His thoughts were heavy, muddled.
Yes, up to here we will do it, and rest we will do later. Thank you. Have a nice day.